हर साल की तरह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल इजलास जिहड़ा वो अपने अहुदेदारियां 31 नवंबर तक वो सारियां निभाउंदा आ। इस बार का इजलास जिहड़ा वो अज 28 अक्तूबर नूं रखिया गया सी, ते ज्यों ये इजलास की शुरुआत होई मैं कह सकदा कि पंजाब की सरकार नहीं, भारत सरकार बीजेपी समेत उन्हां दे नाल आरएसएस कांग्रेस सारिया ने अज सवेर तक भी अड्डी चोटी का जोर लाया। बहुत सारे मैंबर साहबानां नूं सरावां दे विच भी अज किसे नूं धमकाउणा ते किसे नूं लालच देण दा जतन किया जाता रहा। तो मैं समझदा अज सिख पंथ ने, खास करके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ते श्रोमणी अकाली दल ने अपना इतिहास जिहड़ा वह दोहराया, क्योंकि जदों भी किते तत्ता समा आउंदा खालसा पंथ दीआं दोनों जथेबंदियां हमेशा ही बहुत बड़ा अपना योगदान पाउंदियां। ते कल रात तो ज्यों इत्थे मीटिंग होई सी, बड़े तरह तरह के सोशल मीडिया के उत्ते एक दो तां इत्थे बाहर सरावां दे विच भी जिद्दां शायद ये वोटां सोशल मीडिया के नाल ही पै जाणियां, इन्ने बड़े एलीगेशन लाउण दे जतन कीते, पर खालसा पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने फर्जां की पूर्ति की। मैं धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु रामदास पातशाह जी जिन्हां ने तरस करके धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का चेचे तौर पर प्रधान श्रोमणी अकाली दल ते समुची श्रोमणी अकाली दल की सारी सीनियर लीडरशिप जिन्हां ने तन दही ना ऐतकी ये जिहड़ा समा चल रहा सी उस समय दे विच टाकरा किया, ते खास करके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान जिन्हां ने ये दास दे मौरां ते भार पाया सी, ते अज जो ये कहिंदे सी उह करके भी दिखा लिया। मैं कल भी कहा सी ते अज भी कहिंदा साडियां माइयां जिहड़ियां वह अज माई भागो बन के चलियां, क्योंकि प्रेरणा हुंदी आ, घरों आना बड़ा औखा हुंदा, घरां दे रजेवें हुंदे आ, पर एक सारता दे नाल एक धिर नहीं एक मजबूत साडे दीवार बन के नाल खड़े रहे आ। ते मैं इहो समझदा भई ये अज विरोधियों नूं सिखना भी पऊगा। हुण मैं विरोधी शब्द तां वरत्या कि आ हुण भी मैं अज कहिंदा, क्योंकि विरोधी वो आ जिहड़े देश दे विच जां उहनां दीआं डगोरियां बन रहे आ, ते डगोरियां बन वालियां नूं कदे खालसा पंथ ने झल्लिया नहीं। इहदी जागत जो जिहड़ी अज मिसाल आ खालसे पंथ ने प्रगट कीती आ। सो मैं उहनां बीबियां दा धन्नवाद करदा जिन्हां ने अज लगातार दो दिन ने, तीन दिन भी हो गए, कई तां बेचारियां एवें दीआं सी बीमार सी, ते खास करके चीमा साहब साडे यूपी चों आए मैंबर बहुत खास बीमार सी, उहनां दे नाल सब्बरवाल साहब, उहनां दे नाल साडा एक मैंबर रसीदा बेचारा तुर भी नहीं सकदा, वह इत्थे आया जथेदार सूबा सिंह, और उहनां दे नाल दूसरे साडे मैंबर साहबान वह सारे हाजिर होए। ये गल दर्शाउंदा वे बंदा प्राणा की परवाह नहीं करता, जिहड़ा बंदा सख्त बीमारी तो पीड़ित आ। उन्हें यह कहा जथेदार सूबा सिंह ने, कहिंदा सारी उम्र पंथना निकल गई, आज हुण जान भी निकल जाऊ कोई परवाह नहीं। तो मैं समझदा ये समा अज तां आया कि अज सारियां शक्तियां नूं ये भाज आ, सारियां शक्तियां नूं नकारिया खालसा पंथ ने, नकारिया नहीं गा बुरी तरह डिफ्यूज किया। तो मैं मित्रों थानू अज भी बेनती करदा, हाले भी डुले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया, खालसा पंथ एक सुरता दे विच श्री अकाल तख्त साहब दे सन्मुख होवे। अज वो शक्तियां सरगर्म आ जिहड़ियां श्री अकाल तख्त साहब नूं श्रोमणी कमेटी तों अलग करनियां चाहुंदियां। असीं भी विधि विधान उहदा बनाया आ, पर यह विधि विधान की बना रहे आ कि पटना साहब की तर्ज के उत्ते, हजूर साहब की तर्ज के उत्ते सरकार कोल इहदा कब्जा चल जाए, फिर सरकार सेंटर की जिहड़ी मन मर्जियां करूगी। सो मैं खालसा पंथ नूं सिमर बेनती करदा कि कई बार ये समय आए, अकाली वर्से अकाली तो लड़ते रहे,
पर सारा ही मुल्क एक पासे हो के लड़ूगा खालसा पंथ ना ते मैं सारिआं नूं बधाई दिंदा इन्हां मैंबरां दा चेचे तौर ते ते श्रोमणी अकाली दल दी समुची लीडरशिप ते प्रधान साहब समेत जिन्हां ने लगातार इस गल ते फोकस कीता कि ये जिहड़ी चुनौती आ इहनूं आपां खिड़े मत्थे प्रवान करांगे स्वीकार करांगे। सो मैं अंत दे विच गुरु रामदास पातशाह दा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा ते श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दा धन्नवाद करदा। एक आस भी करदा मैंबर साहिबाना तों कि अहुदेदार साल बाद आ जांदे आ पर आ साल जिहड़ा क्रूशियल आ बहुत वड्डे हमले हो रहे आ ये क्योंकि हुण सेवा जिहड़ी आ ये सेवा की हुंदी पे दिन रात सारिआं मसलिआं नूं नजिठणा भी ते सारिआं मसलिआं दे नाल उहनां दे पूरक भी बनना। सो मैं जिन्ने भी साडे साथी चुने गए आ उहनां नूं भी मुबारकबाद दिंदा ते उहनां नूं भी बेनती करदा ते मैं अपनी जथेबंदी नूं भी बेनती करदा अरदास करिओ कि सतगुरु जी जे हुण चौथी वारी सेवा दित्ती आ उह कारज करायो जिहड़े गुरमत दे अनुकूल जिहड़े संदड़ी पैरां गुरमत दीआं पईआं उहनां अनुसार चल सकीए। सो बहुत बहुत धन्यवाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। मैं तो सारिआं नूं सनिवर बेनती करदा सारिआं नूं पर क्योंकि जेले किसी दीआं फौड़ियां ते खड़े होईए ना फिर वह बगाने डिगण नहीं देंदे कई बार कहिंदे लाश तां चुक लैंदे लाकड़ी नहीं डिगण देंदे ते मैं उहनां सारिआं नूं भी बेनती करदा कोई नहीं कई बार समा आउंदा कई बार समा जांदा आ खालसा पंथ बख्शेंदे आ ते अपने आउण विच आई चाई जिदा गए अज तक किसी रोकया नहीं जां किसी नूं कढ़िया नहीं वो अपनी तर्ज ते गए आ ते अपनी तर्ज ते वापस आ जाणा। जगीर कौर ने बाहर आके बयान दिता कि लोकां दा जमीर तां जाग पिआ पर जिहड़े अंदर मैंबर बैठे उहनां दा जमीर मरिया होया। मैं कहिंदा फिर मैंबरां नूं सोचणा चाहीदा ये आप बीबी जिहड़ी इहदी इहदी जमीर की आ जे आप जित जांदी फिर इह जमीर मैंबरां दी जागदी सी। आ खालसा पंथ खड़ा मैं क्योंकि इदां हुण कहना नहीं सी चाहुंदा बड़ियां पंज छे गल्लां लिख के काल तख्त ते भी दित्तियां मैं कली कली गल का जवाब भी दूंगा कि यह सरकार आ सरकार के तौर पर बड़े बड़े जिहड़े दावक मजे मार रहे हैं जमीर की होंगी जमीर आ गुरु सिद्धांत से खड़े होना यह तो खड़े दिल्ली सिद्धांत से यह खड़े चंडीगढ़ के सिद्धांत से यह खड़े पंथ विरोधी शक्ति कांग्रेस के सिद्धांत से ये सड़े आर एस एस जी रोज सख्त भैट करती है ये हूँ जमीर दसन गए सानू भाई जमीर की होंगे जमीर का कोई चैप्टर होंगे जमीर होंगे बंदे की करनी तो कथनी तो जिस बंद की करनी कथनी एक नहीं गई ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉੱਭਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੋੜਮਾ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੇਰੀ ਚਾਹਣਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੂਹਰੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਹੀ ਗਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵੱਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 104 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਲਾ
वो साड़ियाँ एक परंपरावान रहेंदियाँ जड़ियाँ परंपरावान चलियाँ वो दे अनुकूल होना चाहिए वो मेरी एडवाइजरी बोर्ड की होंदा एडवाइजरी बोर्ड होंदा सलाह देने वाला ते सलाह देने नू मैनू भी कई दे सकते हैं ते गल तां सुप्रीम अथॉरिटी अकाल तख्त ही है ना वो तो असीं थोड़ा सरल किया कि रोज जथेदार साहब सानू कंप्लेंटा के कंप्लेंटा लोग भेजी सू भेजते हैं उदो विधि थोड़ा सरल किया। देखो सब तो वीडी तो इस कि बहुत बड़ा नौजवान नशिया में ग्रस्त हो रहा तो असी प्रचार सिखी दे सारे कार्ज विद्या के दूजे तीजा शुरू किए ही आ सब तो बड़ा साडा जोड़ा कार्ज आ वह हम धर्म प्रचार का होगा ये उत्ते असी आउंदा साल पूरे का पूरा जोर लगा सरकार जड़ियाँ नशे के उत्ते अपना बयान दे के कहते नशा खत्म हो जाएगा बेदमियाँ रुक जाएगियाँ पर सरकार इस चीज़ को रोक असी अज आ सारे मते पाए आ हुण मैं थानू लंबे मते बोल नहीं सकता इन्हां मतियां दे विच नशियां दा भी जिक्र किया इन्हां विच बाहरले विदेशी सिखां दा भी जिक्र किया ये सारे जिहड़े पचीदा मसले चलदे उहनां दी ये देखो मैं जदों छोटा हुंदा सी उदों सिख करदार नूं इन्ना पेतला जिहा दस्या जांदा सी एक जोकर टाइप उहदा जिहड़ा आ उह रोल हुंदा सी हौली हौली सिख पंथ दे विच अज बॉलीवुड हॉलीवुड दे विच दस्तार वाले एक्टर फकरा महसूस करदे साडा कल्चर भंगड़ा किहदा हुंदा सी अज उह फकर महसूस करदे आ पर इस आड़ तहत आ जिहड़ा हुण कई वारी साडे नाल मजाक भी हुंदा हुण कंगना रनौत ने तां सिख परंपरावां दीआं धज्जियां उड़ा दित्तियां ते धज्जियां उड़ाउण करके साडा गिला भी इह आ असीं तां अज मता भी पाया कि आउंदे बोर्ड दे विच इक श्रोमणी कमेटी दा नुमाइंदा होवे तां कि जिहड़े मुद्दे उठदे आ ये मुद्दे सुध दब हो जाए फिर सानू रौला पाना पैंदा जेल्ले रौला पाने फिर कहिंदे जी इह तां कट्टड़ आ जी इह धार्मिक नहीं गे फलाना आ इस करके असीं चाहुंदे आ कि इहदा सदीप काल इक जिहड़ा हल होना चाहीदा ते फिल्म दे तुरंत पाबंदी लगनी चाहीदी पाकिस्तान दे गुरुद्वारा संबंधी जिहड़ा मता पाया गया कुंद बारे दा पक्खा बंद कर दिओ यार देखो जिहड़े पाकिस्तान दे विच असीं पाया मता करतारपुर दा क्योंकि करतारपुर च इहनी 5 साल दी टर्म एग्रीमेंट दी वधाई आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਆਈ ਡੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ 7 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ $20 ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ $20 ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰੋਕ ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਆ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਹੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ
झोली अड के दिती जा सकती है। बड़िया साजिशा रच के केंद्र सरकार के नाल RSS के नाल BJP के नाल तुसी संगत तो सेवा नहीं लै सकते। ये भागा वाले नू मिलती है और नीवे हो के जड़े सेवा करते हैं उन्होंने मिलती है। और दूजा मैनू इस गल ते अफसोस है कि उन्होंने मैंबर साहबाना के बारे च जो कुछ अज किया कि मैंबरां दी जमीर मर चुकी है। बीबी जी इसे भुलेखे शायद तुसी तुरे सी ते इलैक्शन दी तुहाडी स्ट्रैटजी गलत हो गई। तुसी यही घर बैठे सोच लिया सी कि मैंबरां दी जमीर मरी हुई है, इस करके लालच दे के तोड़ लवेंगे, डरा के तोड़ लवेंगे, सेंटर तो कहा के उन्होंने उन्होंने हिरदा चेंज कर लवेंगे। पर मैंबरां ने अज साबित किया कि साडी जमीर जागदी है, इस करके मैंबरां ने तो सही होने का सबूत दिता। तुसी उन्हों उल्टा हूँ ये कह के तो एडा वड्डा जिहड़ी सिखां दी पार्लीमेंट है उहदा अपमान ना करो। चलो अज बीबी जी गुस्से च सीगे, शाम तक ठंडे हो जाएंगे तो उन्होंने जेडे अपनी संस्था बारे एडे माड़े लफ्ज़ वरते गए वो लफ्ज़ मैं बेनती करदा कि अपने आप उन्होंने वापस लेने चाहिए है, क्योंकि संस्था के मैंबरों ये कहना किसी भी तरीके वाजिब नहीं है। दूजी गल है कि यह जो फैसला है इतिहासिक फैसला, इन्हें साबित कर दिता कि लोग संगत जी है वो श्रोमणी अकाली दल को तगड़ा होया वेखना चाहती है। चाहे किन्नियां भी साजिशां श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ रचियां जा रही, पर अज का जोड़ा पंथक फैसला इन्हें बहुत वड्डी शाबाश है श्रोमणी अकाली दल नू, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान नू दित्ती है। असी संगत के फैसले अगे शीस नवाने और भरोसा देने कि जिस भावना के नाल साडे उत्ते भरोसा संगत ने मैंबर साहबाना ने हाउस ने किया, धामी साहब तो सारी साडी टीम जिहड़ी है तगड़े हो के गुरु के आसरे च गुरु के भै च चल के लोगों दीआं इच्छावां जिहड़ियां उह पूरीआं करन। देखो गल ये है कि अज जिहड़ा मुद्दा हैगा जदों कोई सही हुंदा उहनूं सही कहिंदे आ, जदों कोई गलत हुंदा उहनूं गलत कहिंदे आ। ये नहीं हुंदा, ये पोलिटिकल सांझ हुंदी है। जिन्नी देर कोई चीज़ ठीक चली आ असीं ठीक आ, जदों उन्होंने किसानी नाल धोखा दिता असीं डट के उन्होंने खिलाफ खड़े। इस करके राजनीति के विच असूलों के उत्ते चले जाते। ठीक हो सकते तो मतलब अकाली दल ते जिहड़ा संकट चल रहा है तुहानूं लगदा कि सुखबीर सिंह बादल दा जिहड़ा अकाल तख्त तों मामला जिहड़ा जल्दी हल होना चाहिए ता जो दोबारा विचरण ते जिहड़ा देखो श्री अकाल तख्त साहब सुप्रीम है, जो उत्थों आया फैसला उहदे ते प्रधान साहब ने भी सिर झुकाया ते सारी पार्टी ने प्रधान साहब नाल जिहड़ी है पिछे खड़ के ये अपने गल च पल्लू पा के जो फैसला तुहाडे वास्ते आया वह साडे वास्ते भी है, क्योंकि तुसी साडे बिहाफ ते कहा सी, सारी पार्टी ने भी सिर नवाता। इस करके सानू अपने तख्त ते भरोसा ते असी तख्त तो हमेशा ही सेध लैके चलते हैं। सानू आस है कि जो तख्त दा हुक्म होएगा छेती ये मसला जिन्ना दे लोकां दे मसले हल करन लई अकाली दल नूं अग्गे आना पवेगा, पर जेकर जिन्ना चिर सुखबीर सिंह बादल होणी लोकां तक पहुंचाउण दी जरूरत है, क्योंकि अज ये छोटी जी गल नहीं कि इन्हां हालातां दे विच जे एडा वड्डी शाबाश है श्रोमणी अकाली दल नूं मिलदी है संगत वल्लों हाउस वल्लों, ते इक बहुत वड्डी मैं समझदा थापड़ा सानूं मिलिया। सो छेती वह भी साडा गुरु का अपना तख्त है, उत्थे असीं शीस नवाया, जिहड़ा गुरु के दर ते शीस नवाउंदा हमेशा वड्डा होकर निकलता, उत्थे भी गुरु मेहर करेगा। चीमा साहब प्रधान जी ने वड्डे फर्क नाल जित के